जो छोटी बातें मुझे कहनी है, आप सबको मालूम है कि आज 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, तो मैं इसकी भी शुभकामना आप सबको देता हूं। आज विश्व श्रवण दिवस है, वर्ल्ड हियरिंग डे, इसकी भी शुभकामना देता हूं। 4-5 दिनों पहले मैं डाची गांव गया, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, वहां अंगूर कितने हैं, कितने हम बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। और क्या सामान्य व्यक्ति के लिए उसे हम एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयत्न कर सकते हैं, जो हमारी मान्यताएं जो हमारे लिए प्रतिबंधित है उसे रोकते हैं, क्योंकि कहीं भी जब यहां परमिशन लेनी होती है सरकारी तंत्र में, मुझे लगता है सामान्य आदमी को कठिनाई होती है। ऐसा कोई सिस्टम हम विकसित कर सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी देश के कोने कोने से लोग आते हैं तो उसे देख सकें, इस इलाके के लोग भी चाहें तो देख सकें, भले ही संख्या हमको सीमित करनी पड़े, लेकिन निश्चित सीमा जो हम हमारे लिए अपरिहार्य होगी, जिससे कोई नुकसान न हो पर्यावरण का, उसका ध्यान में रखते हुए इस पर सोचने की जरूरत है। पिछले दिनों में पूर्वमंडल गया था, मैंने वहां देखा मानसर सुरिसर किले उत्तरवाही, मुझे लगता है कि वन विभाग को उन प्राकृतिक स्थलों को भी देखने की जरूरत है कि वहां आप क्या कर सकते हैं। वहां की इकोलॉजी बचाने के लिए देश भर के लोग वहां आते हैं, अनेक कारणों से आते हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरा काम हो सकता है जिस पर आप विचार कर सकते हैं, तीसरा वेटलैंड और वेस्टलैंड, अनेक प्रकार की पक्षियां हमारे हाथ में, मुझे लगता है कि इसको बचाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या भूमिका हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस पर जरूर काम करने की आवश्यकता है। इन 3 सुझावों के साथ मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।